चटर्जी साहब नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार चटर्जी साहब। नमस्ते सर। कैसे चटर्जी साहब? सब कुशल मंगल है? हाँ, दुआएं हैं सर। नमस्ते सर। नमस्कार जी। नमस्कार आयुष। कैसे हो आयुष? मोहन जी बढ़िया सर, आप सुनाए? सब बढ़िया, सब बढ़िया। मोहन सर कैसे हो? मोहन जी सर नमस्कार। सब ठीक है मोहन जी? घर परिवार में सब कुशल मंगल? नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, मंगलम मंगलम। बहुत बढ़िया। बिजनेस हो रहा है दोस्तों अपने अपने ब्रांचों में, अपने अपने यहाँ पे? हाजी हाजी सर, बिजनेस चल रहा है। आयुष आपके इधर क्या पोजीशन है काम का? सर अभी थोड़ा हल्का चल रहा है। अभी थोड़ा हल्का चल रहा है जी, कोविड की वजह से ना सर। हाँ जी, ठीक है। मित्रों आज का टॉपिक बता सकते हैं कोई दोस्त मुझे? प्रोस्पेक्टिंग सर जी। प्रोस्पेक्टिंग। 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 अच्छा, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? प्रोस्पेक्टिंग लीड। 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 वेरी गुड। लीड चाहिए हमें। लीड, ठीक है जी। और कोई मित्र बता सकते हैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक प्रोस्पेक्टिंग के बारे में? सर जिसको हम पॉलिसी समझाते हैं वो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं। जिसको हम समझा चुके हैं वो हमारे प्रोस्पेक्ट होंगे, और जिसको हम नहीं समझा पाए हैं वो हमारे प्रोस्पेक्ट होंगे या नहीं होंगे? वो भी है सर। वो भी है। ओके जी जी। तो हम जगपाल जी स्पीकर ऑन कर लीजिए, लाइन में आ जाइए। लाइन में मतलब वार्तालाप शुरू करिए। जगपाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जगपाल जी। घर परिवार में सब कुशल हैं? हाँ सर, कुशल हैं, सब ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रोस्पेक्टिंग में सर यही है जी। हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी बताएं। प्रोस्पेक्टिंग में सर यही है कि हमें कहाँ से, किन किन जगहों से हमें इंश्योरेंस मिल सकता है, क्या क्या प्रोस्पेक्ट है, कहाँ से कस्टमर, कस्टमर वो क्या क्या है प्रोस्पेक्ट वो? अच्छा जी। तो अच्छा, कहाँ से हमें इंश्योरेंस मिल सकता है, वही सब प्रोस्पेक्ट है आप। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और कोई मित्र बता सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग का मतलब हम क्या समझते हैं? अशोक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना। आकर्षित करना। और किस तरीके से आप बीमे देके उनको किस तरीके से अपन आकर्षित। बहुत बढ़िया। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है। अच्छी बात करी आपने, अच्छी बात करी। गौरव आर्या साहब आप कुछ अपना विचार रखेंगे? ग्राहकों को अपने ओर आकर्षित करना और अपने आप को प्रेजेंट करना। बहुत अच्छा जी। उनको उनको जी, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुधाकर जी और गौरव आर्या जी अपने विचार रखेंगे क्या? नहीं आ रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं शायद हमें। मित्रों आज की संध्या में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम थोड़ा छोटा रखेंगे लेकिन महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग के बारे में मैं समझता हूँ, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं समझता हूँ आप भी समझें, जो आप समझते हो मैं भी समझूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप हमें अच्छे लगते तो मैं भी आपको अच्छा लगूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये बात जरूरी है कि हर व्यवसाय में काम करने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ये बात बहुत जरूरी है। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट होते, अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट होते तो आपके पास कोई ना कोई रॉ मटेरियल होता, जिस रॉ मटेरियल के होने के बाद आप उसको अपने इंडस्ट्री में तैयार करते। एग्जाम्पल के तौर पे एक दुकानदार है, एक शॉपकीपर है जो जिसका डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो उसका रॉ मटेरियल क्या है? उसके दुकान में रखने वाला सामान। एक मेडिकल स्टोर है, उसके पास रॉ मटेरियल क्या है? उसका मेडिसिन। ऐसे नो, उसी तरह अगर एक किसान है तो उसका रॉ मटेरियल क्या है? खाद है, बिजली है, उसका लेबर है, उसका हल है, उसका ट्रैक्टर है, उसका ट्रॉली है, ये उसका रॉ मटेरियल है। अगर उसी तरह से बात करें एक विद्यार्थी के लिए रॉ मटेरियल क्या है, एक स्टूडेंट के लिए रॉ मटेरियल क्या हो सकता है? बुक है।
बुक है, स्टेशनरी है, सिलेबस है, ट्यूशन है, टीचर है, पेरेंट्स है, वो सब उसके रॉ मटेरियल है जिसकी वजह से वो आगे बड़ा कर रहा है, आगे बढ़ पा रहा है। और हमारा रॉ मटेरियल क्या है? हमारा भावी ग्रह, जिस ग्राहकों के साथ में हमें जीवन भर काम करना है, जीवन भर के लिए जुड़ना है। दोस्तों ऐसे भावी ग्रह हम सब चाहते हैं और सबको चाहिए, और सबको ना बहुत कम मेहनत करके चाहिए, बल्कि कुछ लोगों को तो बगैर मेहनत का भी चाहिए, ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोगों को तो रखे रखा है डाटा चाहिए कि आप मुझे डाटा दे दो, मैं उस पर काम करके कर लूंगा। कुछ लोगों तो फेसबुक, सोशल मीडिया, अलग अलग मीडिया में मार्केटिंग करके करते हैं। कुछ लोग विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, लिफलेट बांट के डिस्ट्रीब्यूट करके करते हैं। ये सब तरीका क्या है? कुछ लोग लाउड स्पीकर में गाड़ी के ऊपर सामान लगा करके, स्पीकर लगा करके अनाउंसमेंट करते हैं, उसके साथ में करते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि उन सबके पास रॉ मटेरियल इकट्ठा करने का अलग अलग तरीका है। मित्रों आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 15 मिनट में कम से कम 1500 आपको प्रोस्पेक्टिंग देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यही बात हमने कहा था। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने याद कराया, बहुत बढ़िया याददाश्त है आपकी। आपकी याददाश्त की मैं दाद देता हूं, बहुत शानदार याददाश्त है आपका। दोस्तों आज हम उस प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बात करेंगे कि हम लोग प्रोस्पेक्टिंग कैसे बनाएं। मित्रों प्रोस्पेक्टिंग का सबसे बढ़िया फार्मूला है कि आपको बोलना है, आपको हर किसी से पूछना है, हर किसी से बात करना है। और पूछने में क्या जाता है, आज मैं एक ट्रेनर को सुना हूं, मैं उनको अक्सर सुनता रहता हूं, पारस जैन साहब हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में है। मैंने उनसे ट्रेनिंग तो नहीं ली हुई है, लेकिन मैं उनको अक्सर सुनता रहता हूं। तो पारस जैन साहब ने आज एक विचार रखा कि एक ना दो भाई थे और रोड पे खड़े थे और गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। किसी व्हीकल का इंतजार कर रहे थे कि कोई व्हीकल वाला आएगा और उसे हम लिफ्ट लेंगे। लिफ्ट चाहिए, फ्री में चाहिए लिफ्ट, लिफ्ट लेंगे। लेकिन काफी देर वेट करने के बाद में उनके पास कोई व्हीकल नहीं आई। तो हुआ क्या, कुछ समय के बाद में आर्मी की एक गाड़ी आई जो कोई हथियार लेके जा रही थी। बड़ी गाड़ी होती है ना जिसके ऊपर हथियार डला होता है, आपने देखा था, ट्रॉली होता है उसके ऊपर कोई पक्षपात रखा होता है या मिसाइल रखा होता है, देखा आपने कभी ऐसा? क्या हाजी? हाँ देखा है सर, देखा है सर, देखा है, देखा है। तो ऐसा ना, हाँ ऐसा ना, मिसाइल लेके जा रहा था एक आर्मी का ऑफिसर था, आर्मी की गाड़ी थी, बाहर आर्मी का फोटो लगा हुआ था और आर्मी वाला कलर था। तो उसने, उस दोनों में से एक भाई ने बोला कि यार इतने देर से मैं किसी का लिफ्ट इंतजार कर रहा हूं और लिफ्ट नहीं मिल पा रही है, तो क्यों नहीं आज इसको ट्राई किया जाए, आज इस आर्मी मैन को ट्राई किया जाए। और उसने बोला लिफ्ट मिलेगा क्या? आर्मी मैन को भी ना बड़ा उत्सुकता हुई, साला आज तक जीवन काल में ना किसी ने भी हमसे लिफ्ट तो नहीं मांगा और हमने किसी को लिफ्ट दिया नहीं। तो जितनी जितनी उत्सुकता उस लिफ्ट लेने वाले की थी, उतनी ही उत्सुकता उस लिफ्ट देने वाले की थी। कोई तो है माई का लाल, कोई तो है ऐसा देवदूत, कोई तो है ऐसा हिम्मत वाला जो आर्मी के टैंकर पे भी लिफ्ट मांगता है ना दोस्तों, हिम्मत का काम। और उसने लिफ्ट मांगा और आर्मी मैन ने उसको लिफ्ट दिया। और लिफ्ट लेने के बाद में पूछा कि आखिर तू बता, तू करता क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? आर्मी की टैंकर पे देख रहा है कि इतने बड़े बड़े युद्ध का सामान जा रहा है, तुम उसमें लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ऐसा क्यों किया? बोला सर मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे एक मित्र थे जो जिनको मैं गुरुजी बोलता हूं, जिनको बड़ा भाई बोलता हूं, मेरे सीनियर हैं, और उन्होंने जीवन में हमेशा एक बात मुझे सिखाते हैं कि हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो। यानी कि तुम्हारे पास जो गाड़ी का वेट कर रहा था, मैं लगभग एक घंटा से दोनों भाई वेट कर रहा था, दोनों मित्र वेट कर रहा था और कोई गाड़ी नहीं आई थी, क्योंकि मेरा मकसद तो लिफ्ट लेना ही था। तो आपकी गाड़ी आ गई तो मैंने आपको लिफ्ट के लिए सारा कर दिया और आपने मुझे लिफ्ट दे दिया। तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो टोकना पड़ेगा, कभी न कभी किसी को तो बताना ही पड़ेगा। इसका मतलब बोलना जरूरी है, बोलना जरूरी है मतलब पूछना जरूरी है, कहना जरूरी है, बताना जरूरी है, समझाना जरूरी है और अपनी बात को दूसरे के दिल तक पहुंचाना भी जरूरी है। अगर एक काम हम सभी दोस्तों ने कर लिया जरूरी है, तो दोस्तों हम ना प्रोस्पेक्टिंग का पहला असूल पार कर लिया। दूसरी बात है दोस्तों, जिसके ऊपर मैं आज का आपका कार्यक्रम रखा हूं, दोस्तों हम सब कल्पना करें कि आज हम सब
25 साल के एक युवक हैं और हमें एक बहुत ही मनपसंद लड़की से शादी हो गई है और आपको उस शादी में, आपको उस शादी में आपके अपने राज्य के सारे जिनको आप जन्म से लेके आज तक जानते हैं, जिनको आज तक आपने नाम सुना है, जिनके बारे में आपने चर्चा सुनी है, जिनके बारे में अपने किताबों में, अखबारों में और कागजों में पढ़ा हुआ है, उन सबको निमंत्रण देना है। और ध्यान रहे, आप राजकुमार हैं आज के दिन में, और उस राजकुमार की शादी का निमंत्रण उन सभी जन सामान्य तक जाएगा जिसका निमंत्रण पत्र पे शादी का नाम आपका लिखा होगा और साथ में आपकी भाभी जो राजकुमारी हैं उनका नाम लिखा होगा और शादी की तिथि भी तय कर दी गई होगी। और अब बारी है निमंत्रण लिस्ट बनाने का। तो दोस्तों आप बताएं कि आप क्योंकि राजा हैं और आप राजकुमार हैं, आप राजकुमार की शादी होनी है और राजकुमार की शादी में तो सारे जनमानस आएंगे और आपका सर्कल, आपका सम्मान, आपका परिचय और आपका नाम भी बहुत बड़ा है, तो निश्चित तौर पे आपको एक बड़ी लिस्ट बनानी पड़ेगी और वो लिस्ट आज से लेके आगे आने वाले 3 दिनों तक, क्योंकि हमारा कार्यक्रम हफ्ता में 3 दिन ही आता है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, तो बीच में जो समय मिलता है उन दिनों में आपको शादी का लिस्ट बनाना है और उस शादी के लिस्ट में कम से कम 1500 लोगों को निमंत्रण देना है कि आप हमारे शादी में सब परिवार रात्रि भोजन के लिए जरूर आइएगा। और ये हमारा लास्ट और अंतिम आपको प्रोस्पेक्टिंग बताना था। मित्रों, अगर जिस तरह से हम और आप अपने घर परिवार में कोई शादी करेंगे, अगर हम कोरोना काल को छोड़ दें जिसके ऊपर बहुत सारी पाबंदी लगी हुई है, तो सामान्यतः हम लोग अपने अपने आर्थिक साधनों के अनुसार से कम 500, 1000, 1500 या 2000 कार्ड निश्चित तौर पे प्रिंट करवाते हैं, छपवाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। और जिसको भी शादी का कार्ड देते हैं उसमें से कोई भी आपका अनजाना नहीं होता है, सब आपके जानने वाले होते हैं, रिलेटिव होते हैं, फ्रेंड होते हैं, दोस्त है, मित्र है, सहपाठी है, सहयोगी है, डॉक्टर है, टीचर है, पेशेंट है, ग्राहक है, भावी ग्राहक है या ऊपर वाला नीचे वाला फ्लोर वाला है। मित्रों, वो आज की हमारी सबसे पावरफुल चीज़ देनी थी आपको, प्रोस्पेक्टिंग। आपको करना क्या है कि अपने शादी की तैयारी कर रही हैं और शादी के लिए कम से कम आपको अपने 1500 लोगों को, 1500 मित्रों को, 1500 दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड, रिलेटिव का आपको लिस्ट बनाना है और उस लिस्ट में से आपको हर किसी को शादी का निमंत्रण देना है। शादी का निमंत्रण इसमें बीमा का निमंत्रण पत्र से संबंध रखता है। जो मैंने भाव कहना चाह रहा था, जो मैं बात रखना चाह रहा था, वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अगर मेरी बातों में कोई त्रुटि रह गई हो या बताने की कार्यशैली में कोई त्रुटि रह गई हो या बात करने के तरीके में कोई कमी रह गई हो, तो क्योंकि आप तो दूल्हे राजा है, राजकुमार है, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि 1500 लोगों का लिस्ट परसों शाम को आप सब मुझे बताएंगे और मैं उस पे आपके नाम की ताली बजाऊंगा और आपको सादर नमस्कार ही बोलूंगा। दोस्तों, यही छोटा सा आज का कार्यक्रम था जिसमें हमें प्रोस्पेक्टिंग की बातें करनी थी और 2 बातें हमने आज करी। एक, हम अपने शादी समारोह में किस किस को निमंत्रण देंगे, ऐसे 1500 लोगों का नाम नंबर लिखना है। और दूसरी बात हमने कही कि आपको हर किसी को बोलना है, हर किसी को टोकना है, हर किसी को बताना है, हर किसी को समझाना है, चाहे वो बीमा ले या न ले, वो टेंशन उसका, आपका काम टेंशन देने का, आपका काम टेंशन देने का है, निमंत्रण देने का है, शादी का कार्ड बांटने का है, पॉलिसी का प्रपोजल देने का है। सामने वाला लेता है तो ले, नहीं लेता तो कोई बात नहीं। थैंक यू जी। दोस्तों, एक छोटा सा कार्यक्रम था आज का। किसी मित्र को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वैसे भी इसमें कुछ पूछने वाली बात हमने रखी नहीं थी। हाँ, आपके मन में कोई भाव है या इस तरह के कोई आपके पास भी कुछ आइडिया है तो आप मुझे शेयर करें, जिससे हम जो भी 10-12 मित्र हैं उनको एक दूसरे तक ये आइडिया पास हो जाए। जी दोस्तों, सर सबका नाम लिखना पड़ेगा ना लिस्ट में? हाँ, लिस्ट बनाना है। एक सर आपको डायरी, सर हाँ 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 मोहन सर, एक आपको डायरी लेना है, एक फ्रेश डायरी लेना है, डायरी के ऊपर लिखना है शादी निमंत्रण पत्र 2021, ठीक है सर? बराबर है। सीरियल नंबर इसमें ओल्ड
ओके जी, सीरियल नंबर जो ओल्ड भी और न्यू भी लिखना पड़ेगा सब सब, जिसको आप शादी का कार्ड दे सकते हो ना, जिसको शादी का कार्ड दे सकते हो ना, ऐसा कौन सा पैरामीटर है कि जिसको आपने पॉलिसी कर चुके उसकी दूसरी पॉलिसी नहीं कर सकते, जिसका आपने पेंशन प्लानिंग कर चुका उसका आप टर्म इंश्योरेंस नहीं कर सकते, जिसका आपने दूसरी प्रोडक्ट मनी बैक दे रखा उसका आप होल लाइफ नहीं दे सकते, तो प्रोडक्ट तो आप सारे ही कर सकते हो ना। ओल्ड और न्यू 1500 बस लोगों का नाम लिखना है जिसको आपको शादी का निमंत्रण देना है। दोस्तों आपको शादी का निमंत्रण देना है, आप शादी करने वाले हैं और आप इस देश के राजकुमार बनने वाले हैं, ऐसी मंगल कामना करते हैं जी। ओके ओके और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है? आयुष हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार, आज तो बड़ा जॉली मूड में आप बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई सर, शादी आपकी शादी के समारोह तो ऐसी होगी सर जी। बताइए। नहीं बिल्कुल ठीक है सर जी। नहीं आइडिया अच्छा है, आइडिया अच्छा है बिल्कुल, बहुत अच्छा है। बस 1500 रिगार्डिंग कुछ लोगों का कलेक्शन हो जाएगा, कुछ लोग दिमाग में आ जाएंगे, फ्रेश दिमाग में आ जाएंगे, पुराने नए सब इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत डाटा आ सकता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई आइडिया कोई मित्र जोड़ना चाहते हैं अपना आइडिया? मेरा आइडिया था छोटा सा आइडिया था, कोई बड़ा आइडिया जानना चाहते हैं? क्षमा कीजिएगा जी, बताएं। जी बताया जाए सर, क्षमा कीजिएगा, अनजान लोगों को भी शामिल कर सकते हैं इसमें सर? शादी का निमंत्रण में आप अनजान लोगों को नहीं बुलाओगे क्या? आपको देखो, अगर आपको नाम नहीं मालूम ना, अगर जिसको निमंत्रण शादी का निमंत्रण कार्ड देना है उसको नाम नहीं मालूम तो उसको लिखना लो ऊपर के फ्लोर वाला, थर्ड फ्लोर वाला, फोर्थ फ्लोर वाला, रिक्शा वाला, खुमचे वाला, चमचे वाला, टमके वाला, ढकला वाला, बर्तन वाला, दूध वाला, नाम वाला, नाई वाला, बाल वाला, इस तरह से नाम लिखो ना। ओवरऑल आपका फोकस क्या होना चाहिए? 1500 ऐसे व्यक्ति जिसको आप जानते हैं, वो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा है, संबंधी है, रिलेटिव है, भाई है, फ्रेंड है, सहयोगी है, सहपाठी है, साथ में काम करे हुए कर्मचारी है, जिससे लड़ाई झगड़ा करके कस्टमर चला गया, वो कस्टमर है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप याद करोगे जो कस्टमर लड़ा था, लड़ने वाला कस्टमर नाम लिखो उसका, उसको ढूंढो, उसको शादी का निमंत्रण दो और उसकी पॉलिसी और सुरक्षित कर जी। ठीक है सर, थैंक यू। आयुष कैसा लगा शादी का प्रोग्राम? बढ़िया है सर, प्लान प्लान अच्छा है। तो कब करेगा भैया शादी? देखो कल ही तैयारी करेंगे, कल से। चलो सर 1500 लोगों का लिस्ट बनाओ। जगपाल जी जी, जगपाल जी, अशोक जी, ये सर बनवाते हैं लिस्ट, बनाएंगे कल से सर। शादी का लिस्ट बनाए 1500, आप इस देश के राजकुमार घोषित हो गए हैं और आपको शादी करनी है, राजकुमारी की तलाश भी पूरी हो चुकी है, लिस्ट बनानी है। ठीक है जी, आप 1500 लोगों को निमंत्रण पत्र तैयार करिए, निमंत्रण पत्र बीमा पत्र के रूप में होना चाहिए और जरूर हम उसकी बीमा करेंगे, चाहे वो सिंगल हो या जीवन साथी हो। आशुतोष जी आपके पीछे कुछ गाना चल रहा है क्या? नहीं मेरे पीछे कुछ नहीं चल रहा, मैं तो बंद किया हूँ। बंद किया हूँ। चटर्जी साहब आपके पीछे कुछ सॉन्ग चल रहा है क्या? नहीं तो मैं बंद कर देता हूँ। मोहन जी अभी भी गाना आ रहा है, लेकिन आ रहा था मोहन जी के पीछे। मोहन सिवानी जी आपके पीछे आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट कर दें अपने आप को। मोहन सर जी, थैंक यू मोहन जी। जी दोस्तों आज का मेरे तरफ से इतना ही कार्यक्रम था, किसी मित्र का कोई सुझाव है इस पे या दो एक दो आइडिया दे सकते हैं क्या इस तरह से? अशोक जी शादी वाला आइडिया जो हमने दिया आपको, दो तरह से बातें बता, क्या विचार बनता है शादी करने का? बनता है जी जी सर। कब कर रहे हो भाई? नहीं आइडिया अच्छा है सर, और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे और ज्यादा ज्यादा लोगों से बातचीत भी होगी, कोशिश करेंगे बिल्कुल 100% आते अभी से लग जाएंगे सर।
लिस्ट अभी आज से बनाना है, लिस्ट आज से बनाना है और परसों तक 1500 लोगों की लिस्ट फाइनल करके आपको फोटो देना है, फोटो लास्ट 1500 फिगर देना है, पूरे निष्ठा और ईमानदारी से देना है, कोई उसमें झोलमाल नहीं करना है। अगर किसी मित्र का 1200 बनता है 1200 डालो, किसी का 800 बनता है 800 डालो, किसी का 1200 बनता है 1250 डालो, क्योंकि लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाना शुरू कर देना है। जब अपने लोग लिस्ट बनाएंगे दोस्तों, तब आपको मालूम होगा कि अरे यार ये बंदा तो छूट ही गया था मेरे नजर में आज तक। और उसको खंगालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप बचपन से लेकर आज तक के जीवन काल में जो भी घटना चक्र घटी है, आप हर घटना से अपने आप को रिलेट करो और वहां पे जो जो व्यक्ति आपके उस कार्यक्रम में शामिल था उन सबका नाम और नंबर निकालने की कोशिश करो। हो सकता है नाम भूल जाओ, तो याद रखना कि एक बार हम चाय की दुकान पे गए थे, काला शर्ट पहना था, आदमी गोरा सा लंबा सा था, नाम नहीं मालूम। आप लिखो सर उसको और उसको तलाश करो, उसको ढूंढो। अगर इस तरह से आप ढूंढोगे तो क्या पता एक आपको इसी 1500 लोगों में ऐसे ऐसे हीरे और मोती मिल जाएंगे, आपको ऐसे ऐसे हीरे मोती मिल जाएंगे जो 2, 4, 5, 10 रेफरेंस आपको दे देंगे। और हमारा मकसद सिर्फ पॉलिसी ही नहीं करना, दोस्ती बनाना है और प्रगाढ़ इस तरह की मित्रता बनाना है, इस तरह की दोस्ती और रिलेशन बनाना है जिससे कि हम लोग अपने शादी में उन सब लोगों को बुला सकें और उनके परिवार में कोई शादी हो तो आपके बगैर ना हो, आप उस परिवार की शादी के कम से कम सदस्य जरूर बने, ऐसा आपको अपनी प्लानिंग में रखना चाहिए और इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों आज का मैं कार्यक्रम समाप्त करूंगा और आप लोगों का कोई सुझाव है तो आप मुझे देंगे जी, और परसों का कोई टॉपिक आप में से कोई दोस्त चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, अदरवाइज मेरे पास शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है टॉपिक नहीं। थैंक यू। और आप परसों की यानी कि वेडनेसडे की टॉपिक के लिए कुछ आप लोग हिंट दे सकते हैं, किस टॉपिक पर आप हमसे कार्यक्रम चाहते हैं? सर उसमें कुछ हेल्थ इंश्योरेंस का करें, हेल्थ का, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर जरूर, हेल्थ वाले कस्टमर को जोड़ दें सर उसमें, हेल्थ वाले हेल्थ इंश्योरेंस वाले कस्टमर को जोड़ सकते हैं सर, कस्टमर को जोड़ सकते हैं। अगर आप लोगों का विचार बनता है कि हेल्थ इंश्योरेंस से कस्टमर को जोड़ देना चाहिए तो हम लोग जोड़ सकते हैं निश्चित तौर पे उस कार्यक्रम से आप सबकी, आप सभी मित्रों की। अगर कोई ग्राहक जुड़ना चाहें इस टीम में जोड़ सकते हैं और हम एज ए ग्राहक एज ए बात करेंगे, हम ये समझ के बात करेंगे कि हम सभी ग्राहक हैं, इस बात का ध्यान रख लें। अगर ग्राहक वर्ग, अच्छा दोस्तों एक बार बताओ कि हम लोगों ग्राहक को इस ग्रुप में ऐड करना चाहिए क्या किसी प्लान प्रेजेंटेशन पे? यस एंड नो? नो सर। नो, थैंक यू। नो पहला, नो दूसरा, नो 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 सर नहीं। कस्टमर से अगर सब कुछ उसको पहले पता चल जाएगा तो अपने लिए दिक्कत है, दिक्कत जाएगी। नो। और एस है किसी मित्र की तरफ से? एस है, लेकिन एस में और भी जी सर, कोई कोई खास प्रोडक्ट की किसी दिन हो ना क्लास तो उस दिन ले सकते हैं हम, उसको कस्टमर समझाने की वजह से कुछ, उसको कस्टमर मीट ही नाम दिया जाएगा ऐसा ना? हाँ, कुछ एक खास प्रोडक्ट की हो ना उस दिन, ठीक है, उस दिन हम कस्टमर को इनवाइट कर सकते हैं, ये होना चाहिए। ठीक है ठीक है। तो हम लोग परसों का कार्यक्रम जो रखेंगे, परसों मतलब 28 तारीख को, उस कार्यक्रम का नाम रहेगा हेल्थ इंश्योरेंस से वेल्थ कैसे बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस इज वेल्थ इंश्योरेंस, टॉपिक का नाम रहेगा हेल्थ इंश्योरेंस इज वेल्थ इंश्योरेंस, और हेल्थ इंश्योरेंस से अपने बिजनेस को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें से दिल्ली एनसीआर के कौन कौन से मित्र आज जुड़े हुए हमारे साथ दिल्ली एनसीआर में? जी सर, एक मैं हूँ जगपाल, दिल्ली से हुआ जी, आशुतोष जी दिल्ली से। ठीक है जी, एक दो और मित्र हैं जो नहीं बोलना चाह रहे हैं या उनको लगता है कि उनकी आवाज की कॉपीराइट लागू हो जाएगी उनके ऊपर, इसलिए अपनी बात को छुपा के रखना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो परसों का कार्यक्रम हम लोगों ने फाइनल किया, परसों का कार्यक्रम जो रहेगा हेल्थ से वेल्थ कैसे बनाएं या हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है दोस्तों, आज का कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा है।
ओके सर, निवेदन है आप सबसे, निवेदन है कि जो मैंने प्रार्थना किया है 1500-1500 लोगों का लिस्ट बनाने का, 1500-1500 अपने भाभी बरातियों का, भाभी गेस्ट का लिस्ट बनाने का, आप निश्चित तौर पे इस लिस्ट को बनाइए। ये जीवन का आपका सबसे बड़ा एसेट बनने वाला है। और दोस्तों इस 1500 कस्टमर को अगर आपने लिस्टिंग कर लिया आज, तो हर दिन आपके उस लिस्ट में 10-20-25-50-100 कस्टमर बढ़ता जाएगा, यानी कि 1500 से वो 3000 तो हो सकता है, 1500 से घटकर 1000-1200 नहीं हो सकता। ये हमारी आपको आज्ञा भी है और प्रार्थना भी है, ठीक है दोस्तों। यथायोग आपसे प्रार्थना और आज्ञा दोनों है, तो आप इसको मेरे तरफ से स्वीकार करें और लिस्ट जरूर बनाएं। 1500 लिस्ट हर साल आपका डबल होता चला जाएगा, इसका मतलब है कि हर साल आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली डबल होता चला जाएगा। इसको गंभीरता से बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, कार्यक्रम छोटा था लेकिन ज्ञानवर्धक था और महत्वपूर्ण था जो मुझे समझ में आया। बाकी आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। थैंक यू सर, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते नमस्ते।